14 अगस्त 2005 तारीख में हेलियस 522 प्लेन ग्रीस में ही उतरने वाला था, लेकिन कुछ अनजान वजह से ये प्लेन लैंड नहीं कर पाया। लैंड करने की जगह ये प्लेन आकाश में गोल गोल घूम रहा था। ऐसे में तो 516 फाइटर जेट प्लेन के काफी करीब जाता है। प्लेन के अंदर का नजारा देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं। प्लेन के यात्रियों में से कोई भी जिंदा नहीं था। जब एक F-16 फाइटर जेट ने प्लेन के पायलट को इशारा करने का कोशिश किया, पायलट से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी अचानक प्लेन के इंजन में आग लग जाता है और प्लेन पहाड़ियों में क्रैश कर जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ, आगे जानने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है ऑक्सीजन की कमियों की वजह से पायलट समेत सारे पैसेंजर्स का मौत प्लेन क्रैश होने के बहुत पहले ही हो गया था।